बेटा तेरा अंडा गिर गया। तो इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैसे मुज्जू भाई ने अपने यूट्यूब चैनल पे 23 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन किए, वो भी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स डाल के। आप भी इस वीडियो से कुछ सीख सकते हैं और आपके चैनल को वैसे ही आप ग्रो कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा रिसर्च की है, ऐसा तो नहीं कहूंगा बस, लेकिन मैं एक दिन सिर्फ मुज्जू के वीडियोस देख रहा था, इसमें भी मैंने सारे वीडियोस नहीं देखे, लेकिन उससे मुझे कुछ सीखने मिला है जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। तो हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है बड़ा क्रेजी में। 101 सब्सक्राइबर्स होने के बाद मैंने सोचा कि कोई डिमांड नहीं कर रहा है तो मैं अपनी शक्ल खुद ही आपको दिखा दूं। तो इस चैनल में आज तक हम रिव्यूज करते आते थे, प्रोडक्ट्स का रिव्यू करते थे, लेकिन आज मैंने सोचा है कि क्यों ना कुछ नया किया जाए, जैसे कि कोई चैनल को रिव्यू किया जाए। मुज्जू भाई ने अपना चैनल शुरू किया था 18 मई 2020 को, यानी कि कोरोना के बीचों बीच। इसके पहले मुज्जू सिर्फ टिकटॉक का टाक करते थे। भाई मुज्जू भाई ने अपना करियर टिकटॉक से शुरू किया है, तुम लोगों को नहीं पता है, तुमको नहीं पता है तो यही तो सच है, और आपको तो पता ही है कि इंडिया में टिकटॉक का क्या हुआ था। तो जो टिकटॉक के साथ हुआ वो मुज्जू भाई को बहुत बुरा लगा, फिर मुज्जू भाई ने उसी अपनी पहचान को या अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए ही यूट्यूब पे एक छोटा सा शॉर्ट्स चैनल बना लिया था। मुज्जू भाई ने अपनी टिकटॉक की जर्नी शुरू की थी 2019 में, तभी के टाइम पे उनके पास थे 2 मिलियन फॉलोअर्स। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी केवल 3 चीज़ों के बारे में जिनके वजह से मुझे लगता है कि मुज्जू भाई को फटे सक्सेस मिला। पहली चीज़, तो मुज्जू भाई अपने वीडियोस में सबसे ज़्यादा कौन से वर्ड का यूज़ करते हैं, आपको तो पता ही चल गया होगा अपना इंट्रो देख के। भैया ये वर्ड इंडिया का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाले वर्ड्स में से एक वर्ड है, क्योंकि हम लोग को जिस किसी को भी बुलाना होता है तो हम ऐसे ही उसको बुलाते हैं, अरे भैया इधर आ, अरे भैया उधर जा, अरे भैया ये क्या कर दिया, अरे भैया वो क्या कर दिया, अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया। दूसरी चीज, छोटे बच्चों का प्रयोग। छोटे बच्चों का प्रयोग करने से मेरा ये मतलब है कि मुज्जू भाई ने एकदम छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को अपने YouTube वीडियोस में रखा, वो क्यूट लगते हैं, इसके लिए उन्होंने छोटे बच्चों को अपने वीडियोस में रखा। देखो यार ये कितनी प्यारी बच्ची है, इसको कोई कैसे इग्नोर कर सकता है। आज से मैं तबा भाई हूं। भाई मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं खुश नसीब हूँ तुम्हारे जैसा मुझे भाई मिला। जय छोटू। और ये छोटा बच्चा ये भी बहुत ज़्यादा ही क्यूट है, इसको भी इग्नोर करना नामुमकिन है। तो अगर आप जैसे ही कुछ देख रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो यूट्यूब पे और आपके सामने इतनी प्यारी बच्ची क्या अगर आपको बोल रही है तो आप स्क्रॉलिंग करना रोक ही दोगे। मतलब मैंने तो रोका नहीं था, बट कुछ कुछ लोग रोक देते, जैसे 23 मिलियन लोगों ने रोक दिया। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है वीडियोस को वायरल होने की, कि इनके वीडियो में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा कूट कूट के भरी है, जो कि है इमोशंस। तो इमोशंस मतलब जितने भी सारे वीडियोज हैं उनमें एक हैशटैग उनका कॉमन है, जो कि है इमोशंस, इमोशनल इमोशन। तो आज हमने जाना कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुज्जू भाई ने सही की और बार बार लगातार कंसिस्टेंटली की, जिसके वजह से वो आज फेमस हुए और उनके यूट्यूब पे आज 23 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। और एक बोनस चीज़ भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि है उनकी सोच। जैसे बेटी और बेटा दोनों सेम हैं, कोई फर्क नहीं। भाई मैं दुनिया भर की नाराजगी बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर मेरी बेटी की आँखों का आंसू नहीं, और बेटियां तो बाप की जान होती है। हिंदू और मुस्लिम दोनों सेम हैं, कोई फर्क नहीं। गरीब और अमीर सेम हैं, कोई फर्क नहीं। आज पता चला है गरीबों का दिल कितना बड़ा होता है और अमीरों का दिल कितना छोटा। भले ही यूट्यूबर क्रिंज फैलाते हैं, बट क्रिंज भी तो जरूरी है। तो मुज्जू भाई भले ही कितने भी बड़े यूट्यूबर हो गए, लेकिन उनका दिल उससे भी ज्यादा बड़ा है। मुझे मुज्जू भाई की आवाज़ बहुत ज्यादा क्यूट लगती है। बेटा ये चॉकलेट क्यों दे रहे हो हमें? भैया
ये आपका पर्स ही गिर गया। भाई मेरा एक काम और कर दे। अरे तेरे लिए मैं ऊपर वाले से भी लड़ सकता हूँ। अच्छा आज क्रिसमस डे और आज संडे भी है। अगर आपको भी मुज्जू भाई की आवाज क्यूट लगती है तो मुझे बताओ यार। कुछ नहीं करना चाहते तो वीडियो को लाइक करो, और बहुत कुछ करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो। इतना सब कर ही दिया है तो घंटी भी बजा दो। चलो ज्यादा ही मांग लिया मैंने तुम लोगों से अभी। बाय बेटा, तेरा अंडा गिर गया।